नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिनों से बहुत किस्म के वीडियो आप लोगों को सेवा में मैं पेश करता हूं खड़गपुर रेल यार्ड से। तो चलिए आज जो भी हम वीडियो दिखाएंगे कि ये जो ब्रेक कैलिपर है, आप लोग जानते हैं कि ब्रेक सिस्टम में डिस्क ब्रेक सिस्टम आपका एयर ब्रेक सिस्टम इसमें है और इसके लिए ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है। तो ब्रेक कैलिपर यूनिट में किस तरीके से क्या क्या चीज लगा है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन सा जगह में कौन सा कंपनी का ये है मैं बता दे रहे। तो चलिए, चैनल को नया हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। वीडियो को टोटल देखिए, ये डिश है और एक व्हील का बगल में एक डिश लगा हुआ, उसके बगल में एक कैलिपर है। इस तरीके जितना व्हील होगा उतना ही आपका ब्रेक कैलिपर लगा रहेगा, उतना ही डिश रहेगा। तो अभी देखिए, जो ब्रेक कैलिपर में आपका ये जो फ्रेम दिख रहा है, ये फ्रेम किस तरीका से बैठा है ये देखिए। ये हैंगर पार्ट में लग के दिखा रहा है कि ये जो सीमलेस ट्यूब है, इस ट्यूब से देखिए फ्रेम आया। ये है एक्चुअल ट्रांजम का काम कर रहा है, इसमें आपका ये सब सामान जो है इंस्टॉल है। और डिश तो आपका एक्सेल में माउंट हुआ है, इसीलिए एक्सेल इसके बोलता है कि एक्सेल माउंटेड डिस ब्रेक सिस्टम जो कि एयर ब्रेक में चल रहा है। तो ये हैंगर आपको लगाए देखिए एक पिन के जरिए, और एक कैलिपर जो यूनिट है ये टोटल आपको ये हैंगर ऊपर एक नीचे एक नट बोल्ट के जरिए इधर लगा हुआ है। और इसमें देखिए शू लगा हुआ है, इसके अंदर में पैड रहता है और ये पैड का लॉकिंग जो प्लेट है यही आपका पैड का लॉक है। और इसको क्या करना है आपको, इस पोर्शन से इस तरफ खींचने से ये निकल के आएंगे तो पैड लूज होता है, पैड निकल का है। इसलिए मैं बोल रहा है कि ये जो फेबली होता है इसके जो ये जो कैलिपर जो पिन होता है, इस पिन कवर रहता है, नोर में इस तरीके के नहीं होता है, नोर में ओपन रहता है। इसमें लुब्रिकेशन होना ज़रूरी है और इसके चलते अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा, ये जैम होगा तो ब्रेक बेंडिंग होने का चांस रहता है। तो इसको आपको डस्ट से सेव करने के लिए इसमें फेबली वाला में एक कवर रहता है। और इसमें देखिए कि ये जो यूनिट है, ये शू को बैठाने के लिए इधर नट बोल्ट लगा हुआ है, इधर नट बोल्ट लगा हुआ, ये शू यूनिट ये हो गया टोटल कैलिपर में, ये शू लगा हुआ है। इसके बाद में इधर आ जाइए, कैलिपर का पिन ये इधर से इधर लगा हुआ है। और एक देखिए ब्रेक सिलेंडर लगने का बैक साइड है, ये इसमें आपका एक पिन से ये ब्रेक सिलेंडर जो है, ये ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है बैक साइड से मैं दिखा रहा है। इसमें एक नट बोल्ट नट एक आपको स्टार्ट यूज़ किया गया है जो कि इसको शू को जो है ये कैलिपर को एडजस्ट करते हैं। और ये जो है आपको गैप मेंटेन करने के लिए 27 mm के स्पैनर से एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये आपका ओपन होगा, और क्लॉकवाइज घुमाने से ये टाइट होगा। ब्रेक बेंडिंग के टाइम में इसको लूज करने के लिए इसी को आपको एडजस्ट करना है। अभी देखिए 10 इंच का ब्रेक सिलेंडर दिख रहा है, और ये आपका ब्रेक सिलेंडर 5/8 आपका पाइप है, 5/8 पाइप आपका लगा हुआ है। और जितना भी ब्रेक के सिस्टम में लगा 18 mm के SS पाइप लगा हुआ है, और ये आपका ब्रेक सिलेंडर है, और इधर से आपको पिस्टन स्ट्रोक होता है। और यही आपका जो स्लैग एडजस्ट करने के लिए 500 mm तक का स्लैग एडजस्टर इसमें लगा हुआ है, और ये पार्ट आपका इस तरीके से दिखते हैं। ब्रेक सिलेंडर का नीचे में देखिए एक आपका भेंट स्क्रू है जो कि अभी नया है, ये कवर करके रखा है, इसमें रबर का एक गार्ड दे के रखा है। और इस तरफ भी देखिए ब्रेक शू, अंदर का ब्रेक शू जिस तरीके के लगा है, और ये मेरा व्हील का साथ का जो है वो भी सेम उसी तरीका के, जो जो पिन आपका इस तरफ में लगा हुआ है उस तरफ का सभी पिन उस तरफ में भी लगा हुआ है। देख सकते हैं कि हर व्हील में एक आपका डिस लगा हुआ, और एक कोच में आपका 8 व्हील है तो 8 आपका ब्रेक डिस लगा हुआ है, और 8 आपका ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है। ब्रेक शू लेकिन उसके डबल में ब्रेक शू लगा, क्योंकि ब्रेक शू आपका इनसाइड आउटसाइड दोनों में आपका एक डिस्क को पकड़ के रखा है। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि एक ब्रेक कैलिपर
में किस तरीका से क्या क्या सामान लगा रहता है, किस तरीका से इंस्टॉल रहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक दीजिए, कुछ जानकारी ऐसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बता सकते हैं। और चैनल पर न तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।